वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनारस से है, तो बनारस यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूं। ये 30 तारीख की अपडेट है, 30 मार्च की अपडेट है। आपको ये पता होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, ये आपको 8 तारीख की मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। 8 अप्रैल जो आपका आने वाला है, 8 अप्रैल की बात करने वाला हूँ। 8 अप्रैल को जो होने वाला है, जो पेपर आपका, कह सकता हूँ, ठीक है, आप जो भी छात्र का पेपर छूट गया है उसकी बात करूंगा, वो बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम हो, फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। और अर्थशास्त्र के स्टूडेंटों का यदि पेपर छूट गया है, जैसे कि यहाँ बोला गया है, विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र बोला गया है कि 7 दिसंबर 2021 की नई शिक्षा नीति के अनुपालन में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में बीएससी बीए बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर अर्थशास्त्र, ठीक है, के 21-2022 के मेजर और माइजर और स्किल डेवलपमेंट में जो मिड जो टर्म परीक्षा थी, मिड टर्म परीक्षा बोलते हैं, छूटे हुए छात्राओं को सूचित किया जाता है, जिनकी क्या है, जो मिड टर्म परीक्षा थी वो छूट गई है, वे अपनी निम्नलिखित समय सारणी पर अपनी मिड टर्म परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मतलब जिन छात्रों की जो जो कह सकते हैं मिड टर्म जो परीक्षा थी वो छूट गई थी, ठीक है, किसी कारणवश, तो वो कब शामिल होंगे, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये, देखो 8 अप्रैल मतलब 8/4/2022 को, 8 अप्रैल को आपको ये पेपर होने वाला है। दोबारा देखो यहां बोला गया है 8 अप्रैल को कौन सा होगा, तो बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा, ठीक है, आप मल्टीपल च्वाइस होगा, एमसीक्यू जिसे बोलते हैं, एमसीक्यू पर आधारित होगा। और यहाँ क्लास टेस्ट परीक्षा अर्थशास्त्र विभाग में निम्न प्रकार आयोजित की जाएगी, मतलब कि जो परीक्षा है वो अर्थशास्त्र विभाग में निम्नलिखित समय पर आयोजित की जाएगी। जो मेजर पेपर होगा आपका, मेजर वाला जो पेपर होगा वो 9 से 9:15, यहाँ देखो 9 से 9 to 15, मतलब कि 9 से लगभग 9 से 15 तक चलेगा, ठीक है, यहाँ बोला गया। और जो यहाँ बोला गया माइनर पेपर की बात करें, वो 9:30 से 15 का होगा यहाँ। और जो स्किल डेवलपमेंट की बात करें वो 10 से 10:15 तक होगा। आप देख सकते हैं ये सारा आपका टेस्टिंग होगा, एक क्लास टेस्टिंग के आधार पर होगा, जो भी आपसे पूछे जाएंगे एमसी क्वेश्चन के आधार पर होगा। उसके बाद में 8 तारीख को ही जो छात्र बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, अर्थशास्त्र विषय के मेजर और कह सकते हैं जो मेजर हो गया आपका, माइनर हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, उन छात्रों को पूर्व में जो किए गए जो टॉपिक कह सकते हैं, जो टॉपिक हैं उन्होंने कुछ तैयार किए हैं, ठीक है, उन पर किए आपको 1000 शब्दों में जो कह सकते हैं असाइनमेंट तैयार करना होता है, एक फाइल बनानी होती है, 1000 शब्दों में आपको बनाना होगा, उसका अर्थशास्त्र विभाग में आपको 6 देखो कह रहा है तक जमा करने होंगे। मतलब एक आप फाइल टाइप की बनाओगे, एक असाइनमेंट बनाओगे, जब असाइनमेंट बनाओगे वहां, तो आपको उस असाइनमेंट को जो बनाओगे, जो 1000 वर्डों में अलग अलग माइनर मेजर और स्किल डेवलपमेंट के आधारित होंगे, और वो क्या है आपको 6 मतलब कि परसों, आज 4 तारीख है, परसों आपको जमा करना होगा, 6 अप्रैल तक आपको जमा करना है, 6 अप्रैल तक आपको जमा करना है। और यहां बोला गया है कि 8 अप्रैल को आपको 10:30 बजे देखो मेजर और माइजर और स्किल डेवलपमेंट के छात्र छात्राओं को, ठीक है, जो असाइनमेंट आपने बनाया है उस टॉपिक पर अपना प्रोजेक्शन देना होगा। मतलब कि आपको कह सकते हैं जो प्रोजेक्टेशन होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपको एक मौखिक परीक्षा देनी होगी, मतलब कि आपको मौखिक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आधार पर आपको आंसर देने होंगे, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ उन्होंने कुछ नोट्स दे रखा है, नोट्स में बोला गया है मिड टर्म परीक्षा जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर आधारित होगी, वो 5 अंक की होगी। देखो बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे, असाइनमेंट की बात की जाए वो 10 नंबर के होंगे, और जो आप जो प्रेजेंटेशन होगा, मतलब जो आपसे मौखिक परीक्षा पूछी जाएगी, जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 नंबर के होंगे, और कक्षा में उपस्थित और अन्य शैक्षिक गतिविधियों में 5 अंक मिलेंगे, मतलब कि टोटल जो अंक होंगे वो 25 नंबर का आपका पेपर होगा। मिड टर्म जो परीक्षा होगी वो 25 नंबर की होगी, प्रैक्टिकल जिसे बोलते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। अब वही बात की जाए, आपको मतलब आप परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, क्लास कक्षा में अनुपस्थित हैं या फिर अनुशिक्षित गतिविधियों में, हेतु 5 अंक निर्धारित है, ये बोला गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखो क्या बोला गया, टोटल 25 नंबर के हैं निर्धारित किए गए। यहाँ बोला गया कि पूर्व में आयोजित परीक्षा में छूटे हुए छात्राओं को इस परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है, जो पहले छूट गई थी उनकी टर्म परीक्षाएं, तो वो शामिल हो सकते हैं, और इसके बाद मिड टर्म परीक्षा पुनः आयोजित नहीं की जाएगी, इसके बाद में मिड टर्म की परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी। मिड टर्म परीक्षा ना देने वाले छात्र छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाले सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होने का अनुमति नहीं दी जाएगी, और जब उस सेमेस्टर की परीक्षा जब होंगी तब आप शामिल नहीं हो पाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप प्लीज़ यार
फटाफट कॉलेज से संपर्क करिए, जाइए और 8 तारीख को अपना, 6 तारीख के तक अपना जो आपका असेसमेंट कह सकते हैं असाइनमेंट है उसको जमा करिए और 8 तारीख को अपना रिजेक्शन दीजिए, मतलब कि अपने मौखिक परीक्षा दीजिए। ठीक है, तो ये था कुछ आपके लिए अपडेट जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, शायद आपके लिए काफ़ी 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप पेपर छूट गया तो आप जरूर करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।